जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, गुरुद्वारे देखने की तलाश में आज हम पहुंचे हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इस समय हम हैं बट्टल मोड़ से 4-5 किलोमीटर आगे। ये कोड़का गांव है और यहां हम रास्ते में चल रहे थे, हमें मिला यहां पे बहुत ही सुंदर एक संत कबीरदास गुरुद्वारा। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल रोड के किनारे बना हुआ है ये गुरुद्वारा। तो आज हम आपको दिखाएँगे ये वाला जो गांव कोड़का है, जो कि मजालता के पास पड़ता है, तो इस गुरुद्वारे में दर्शन करवाएंगे और उसकी पूरी जानकारी जो है हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं गुरुद्वारे के। साथियों, पहुंच चुके हैं बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपर इस गुरुद्वारे की। तो गुरुद्वारा जो है बहुत ही एक शांत माहौल में जो है बना हुआ है। आप आसपास की जहां का सीनरी व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में जो ये है गुरुद्वारा है, यहां से भी आप देख सकते हैं ये सीनिक व्यू। पीछे बिल्कुल जो है हरे बड़े पेड़ और हरे बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, कितना सुंदर जो है ये व्यू है। तो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ये छोटा गुरुद्वारा है यहाँ पर संत कबीरदास जी का। तो चलते हैं इसके अंदर, कर लेते हैं दर्शन, और अगर कोई यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे जो गुरुद्वारे की देख रेख करते हैं, तो हम उनसे इस गुरुद्वारे के बारे में जानकारी लेते हैं, पहले दर्शन करते हैं। अंदर का हम परिसर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जो है संत कबीरदास जी की जो मूर्ति है यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे जो यहाँ पे अलमीरा जो है बना हुआ है। यहाँ पे जो भी सामान कीमती सामान है वो रखा जा सकता है। दोनों तरफ जो है ऊपर से छत भी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है बनाया हुआ है। नीचे से पूरी जो आप देख रहे हैं मार्बल वगैरह बिछा हुआ है। कुल मिला के जो गुरुद्वारा है काफ़ी सुंदर जो है बना हुआ है, और काफ़ी सुंदर जगह पर बना हुआ है। बाकी डेवलपमेंट गुरुद्वारे की चल रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगर हम बाहर का ये परिसर देखें तो नीचे का जो फर्श है ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो है टाइलिंग वगैरह जो है वो लगी हुई है यहाँ पे। तो इसके अलावा कुछ पोर्शन जो है ये यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिलर्स खड़े हैं, तो ये अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पे भी कुछ होने जा रहा है, हम पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पे अगर हमें कोई मिलता है हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या बनने जा रहा है। इसके अलावा कुछ रूम्स यहाँ पे भी हैं जो बने हुए हैं, तो विस्तृत जानकारी लेते हैं यहाँ पे जो देख रेख करते हैं। अभी हमारे साथ इस गुरुद्वारे की जो देख रेख करते हैं, जो जहाँ के प्रधान हैं, वो हमारे साथ मौजूद है इस समय, और हम इनसे जानकारी लेंगे इस गुरुद्वारे की डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम नाम जानेंगे, तो क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन लाल है जी। तो सर हमें ये बताएं, ये जो जहाँ पे कबीरदास जी का गुरुद्वारा बना हुआ है, कब इसका निर्माण कब बना था, मतलब कितने साल पहले जो है इसका निर्माण हुआ? ये सर काफ़ी टाइम हो गया है इसको बने हुए, 35 साल हो गए इसको बने हुए जी। हाँ, तो ये गुरुद्वारे का निर्माण कैसे शुरू हुआ, मतलब किस क्या कैसे सोच आई यहाँ पे कि ये जहाँ पे कबीरदास जी का गुरुद्वारा बनना चाहिए? हमारे पिताजी थे, उन्होंने इस तरह हमारे को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने जगह दी थी है जी जी, उन्होंने ये बनवाया था जी जी जी। हाँ जी हाँ, तो लगभग 25-30 साल पहले का यहाँ पे जो है ये गुरुद्वारा बन रहा है। जो सर के पिताजी हैं उन्होंने यहाँ पे जो है कार्य शुरू करवाया था यहाँ पे। तो फिर आगे कैसे कैसे डेवलपमेंट रही यहाँ पे, कैसे आगे जब शुरू शुरू में क्या बना था और उसके बाद क्या क्या तैयारी हुई? शुरू थी शुरू शुरू में ये सर पे एक अपना ये छोटा सा मंदिर था जी जी, उसके बाद ये बाद में बनाया इन्होंने जी जी जी, और अभी ये कोई 3 साल हो गए कमरा बना दे दे। तो यहाँ पे प्रोग्राम कब कब होता है सर, यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम हो, भंडारा वगैरह? भंडारा यहाँ पे होता है ये अपना जो कबीर जयंती आती है उस टाइम होता है ये जी जी। हाँ जी हाँ, तो कबीर जयंती में यहाँ पे जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो ये यहाँ पे कोई बाबा साहब अम्बेडकर का भी दिन भी मनाया जाता है यहाँ? उनका भी बनाते हैं जी जी, जी, जी उनका जी। भी बनाते हैं। तो 14 अप्रैल को जो यहाँ पे बाबा साहब की जयंती है वो भी यहाँ पे जो है, तो कितने गाँव के लोग यहाँ पे, कितनी संगत जो है उस पर जुड़ जाती है जब बड़ा प्रोग्राम होता है? ये सर यहाँ से रामकोट, बलौर से, मनवाल, उधमपुर से, जम्मू से भी लोग आते हैं यहाँ पे जी जी जी, काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे संगत जो है जुड़ती है यहाँ पे। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं गुरुद्वारे में, पूछते हैं बच्चे क्या नाम है आपका? जोशी। तो बच्चे आप कब आते हैं इधर?
सुबह और शाम को। तो आप देखिए बच्चे जो हैं सुबह और शाम को दोनों टाइम पे यहाँ पे गुरुद्वारे में आके माथा टेकते हैं, काफ़ी अच्छे। कैसा महसूस होता है यहाँ पे आके जब सुबह? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे आपका क्या नाम है? सरमन खरोत्रा। तो सरमन जी आप कब कब आते हैं इधर गुरुद्वारे? सुबह और शाम को। तो आप भी रोज आते हैं, कैसा महसूस करते हैं यहाँ आके? मत्था मत्था टेकते हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा। आप देखिए बच्चों जो है, बच्चों को कितना यहाँ पे जो है अच्छे मतलब संस्कार हैं कि सुबह शाम रोज़ यहाँ पे जो है बच्चे आते हैं इस गुरुद्वारे में और आके मत्था टेकते हैं और मन की शांति पाते हैं और अच्छी लाइन पे जो है बच्चे जो है चलते हैं, जो जुड़े रहते हैं शुरू से जो है धार्मिक लाइन के साथ। तो यहाँ पे और भी हमारे साथ आंटी जी हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? गुड्डू देवी। तो आंटी जी आपको क्या जानकारी इस मंदिर? जानकारी ये बडले शामी सफाई करनी काम करना इतने चलो। तो यहाँ हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी सफाई वगैरह तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो ये सब जो है यहाँ पे सुबह शाम सेवा चलती रहती है? सेवा चलती रहती है जी। जी हम लेंगे इनसे कि यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। तो सर ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी दो रूम बने हुए, ये क्या क्या बना हुआ है सर ये भी हमें जानकारी दे। जी जी ये आप देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत जो हॉल है यहाँ पे इस गुरुद्वारे का बना हुआ है, जो संगत के लिए जो भी प्रोग्राम वगैरह रहता है तो ये यहाँ पे जो है सामान अरेंज किया जाता है, संगत बैठ सकती है यहाँ पे और जो भी सामान वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पे पड़ा हुआ काफ़ी खूबसूरत। नीचे से आप देखिए डेवलपमेंट देखिए, नीचे से टाइलिंग वगैरह हो चुकी है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे रंग रोगन वगैरह हुआ है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो कमेटी है गुरुद्वारे की कमेटी है अच्छा जो है काम कर रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं ये कुछ पिलर वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम जानकारी लेंगे प्रधान सर से कि ये यहाँ पे क्या प्रोविजन है, फ्यूचर क्या बन रहा है? अभी कह तो रहे हैं इसके लिए बनाने के लिए छत डालने के लिए जी। अभी पता नहीं कब करेंगे ये कह तो रहे हैं। तो सर क्या यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बरांडा वगैरह बनेगा? हाँ बरांडा ही बनेगा, यहाँ कमरे ही बनेंगे यहाँ पे। जी जी जी। तो संगत के लिए यहाँ पे और भी सुविधा के लिए जो है यहाँ पे बरांडा वगैरह जो है बनेगा। फिलहाल यहाँ पे सब्जी वगैरह लगाई हुई है तो यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से जगह को जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा छोटा सा जो जहाँ पे सेटअप बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सेटअप जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो जगह थी ये यहाँ पे आप देख रहे हैं श्री मनसाराम जी जो हैं तो इन्हीं जो जगह दी थी और उनके नाम की यहाँ पे जो है प्लेट जो है लगी हुई है। काफ़ी सारी संगत जो है जुड़ती है, एक जो गुरुद्वारा बनने से जो है काफ़ी लोगों का जो जहाँ पे जुड़ाव है वो हो जाता है। किनारे जो है ये गुरुद्वारा बना हुआ था और अभी डेवलपमेंट चल रही है और भी अच्छा जो है बन के आएगा। बाहर से अगर हम आपको दिखाएं तो बाहर भी इनकी काफ़ी जगह है यहाँ पे, तो जो अभी डेवलप होगी ये यहाँ रोड तक जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये जो है और यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। फूल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं तो अब धीरे धीरे सर्दियों में ये खिलने वाले हैं। हमने आपको दिखाया संत श्री कबीर दास गुरुद्वारा मजालता के पास गांव कोड़कू है यहाँ पे। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे छोटा सा जो सेटअप यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, काफ़ी खूबसूरत था और यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी चल रही है। अगर आपको हमारा आज का जो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड लेवल द रियल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ एक और नए गुरुद्वारे में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय कबीर, धन कबीर।